नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज और मैं हूं अजीत यादव। चुनाव में कुछ भी मुद्दा हो सकता है, यहां तक कि प्यार भी, और ये प्यार तब और भारी पड़ सकता है जब आप केजरीवाल से प्यार करें। दिल्ली में केजरीवाल से ऑटो वालों का प्यार उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक चालान से। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास इस बार यूनिक आरोप हैं। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी उन ऑटो ड्राइवरों पर भारी जुर्माना लगा रही है जिन्होंने अपने रिक्शों पर आई लव केजरीवाल पेंट करवाया हुआ है। दरअसल दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा चालक पर आई लव केजरीवाल लिखने के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने की खबर का जिक्र कर रहे थे। केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा अपनी पुलिस से गरीब ऑटो वालों के झूठे चालान करवा रही है। इनका कसूर केवल इतना है कि इन्होंने आई लव केजरीवाल लिखा हुआ है। गरीबों के खिलाफ इतनी दुर्भावना ठीक नहीं है। मेरी भाजपा से अपील है कि गरीबों से बदला लेना बंद करें। ये तो था केजरीवाल का पक्ष, लेकिन जल्दी ही केजरीवाल से मोहब्बत का मामला कचहरी पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑटो रिक्शा पर आई लव केजरीवाल लिखे होने की वजह से चालक को थमाए गए 10,000 रुपए के चालान को चुनौती देने वाली याचिका पर आप सरकार, पुलिस, चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया। जस्टिस नवीन चावला ने दिल्ली सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर ऑटो ड्राइवर की याचिका पर उनका रुख पूछा है। याचिका में दावा किया गया कि कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। दिल्ली सरकार के वकील और पुलिस ने अदालत को बताया कि 10,000 रुपए का चालान क्यों काटा गया। हमें इसकी स्टडी करने के लिए समय चाहिए। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि शायद आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की गई, जिस दौरान राजनीतिक विज्ञापनों पर पाबंदी होती है। ऑटो ड्राइवर के वकील ने चुनाव आयोग की दलील का विरोध करते हुए कहा कि पहली बात तो ये है कि ये राजनीतिक इश्तेहार नहीं है, और अगर है भी तो इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये याचिकाकर्ता के खर्च पर किया गया है, न कि राजनीतिक दल के खर्च पर। दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबरें देखने के लिए आपके अपने लोकमत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वो जरूर दबाएं।